रोहिणी आचार्य के सारण से उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर कई सवाल उठे। इसको लेकर भाजपा ने भी कई बार इस मुद्दे पर अलग अलग बयान भी दिए। इन सब के बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सारण से रोहिणी को उम्मीदवार बनाने की वजह बताई। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि सारण से मेरा लगाव, मेरा स्नेह है। सारण जिला के लोगों ने ही मुझे राजनीति में पैर रखने का मौका दिया। सारण के लोगों का मुझ पर कर्ज है जिसको मैं कभी भी नहीं उतार सकता। लोग मुझे अपने परिवार से उम्मीदवार देने के लिए कह रहे थे। फिर इन लोगों ने कहा कि रोहिणी आचार्य को यहाँ से उम्मीदवार बनाइए। मैंने स्वीकार कर लिया और रोहिणी को उम्मीदवार बनाया। अब रोहिणी आचार्य राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के रूप में आज आपके बीच में खड़ी हैं। लालू यादव के लिए सारण क्यों है खास? राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि सारण से मेरा लगाव, मेरा स्नेह है। सारण के लोगों का मुझ पर कर्ज है जिसको मैं कभी भी नहीं उतार सकता। दरअसल सारण लालू यादव का राजनीतिक गढ़ रहा है। लालू प्रसाद यादव छपरा से सांसद चुने गए थे जो बाद में छपरा से सारण हो गया। लालू यादव ने 2014 में अपनी पत्नी राबड़ी देवी को यहीं से उम्मीदवार बनाया, लेकिन राबड़ी देवी लोकसभा चुनाव हार गई और इस तरह लालू प्रसाद यादव इसमें असफल हो गए। तब से अब तक सारण से न लालू परिवार का कोई उम्मीदवार जीता है और न ही कोई राजद उम्मीदवार। अब लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को सारण से टिकट देकर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार बनाए हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव 17 अप्रैल को सारण पहुंचे, जहां उन्होंने रोहिणी आचार्य के लिए लोगों से वोट देने की अपील की। राजद कार्यकर्ताओं ने बताया कि चुनाव होने तक रोहिणी सारण में ही रहेंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।